हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपना ये जो चैनल शुरू किया है, ये सिर्फ कैसीनो प्लेयर और जो गैम्बलर हैं, गैम्बलर और प्लेयर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पर ये जो मैंने चैनल शुरू किया, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कैसीनो के ट्रैप में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी वो प्ले करते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं, या फिजिकल किसी कैसीनो में जाते हैं, चाहे वो काठमांडू हो, गोवा हो, या श्रीलंका हो। तो उनके लिए मैंने ये चैनल शुरू किया। इससे पहले मैंने आपको पहला जो वीडियो है, ये मेरा तीसरा वीडियो है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि भी मैंने क्यों ये चैनल बनाया, और जो पहले की प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी ऑफ कैसीनो जो मेरी उस चैनल पर है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया और क्यों मुझे उसको अलग करके सेपरेट चैनल बनाना पड़ा, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत मैं सीधा सीधा जाकर के आपको नहीं एक चीज़ बताने वाला, ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, एक फ्लो होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया चैनल क्यों बनाया, फिर उसका नाम इसका नाम मनी इज़ नथिंग क्यों रखा, उस प्लेलिस्ट का नाम साइकोलॉजी ऑफ कैसीनो क्यों रखा था, और यहाँ पर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है साइकोलॉजी ऑफ कैसीनो, जिस पर अभी कोई वीडियो नहीं डाला, क्योंकि रोज का एक वीडियो डालूंगा तो धीरे धीरे जब वो वीडियो बनेंगे, कैसीनो ट्रिक के वीडियो बनेंगे तो कैसीनो ट्रिक की प्लेलिस्ट होगी, कैसीनो के साइकोलॉजी बताऊंगा तो साइकोलॉजी के वीडियो होंगे। अभी तो ये मनी इज नथिंग के ऊपर बारे में चल रहा है। तो अभी मैं आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग कैसीनो में जाते हैं या जाना चाह रहे हैं। तो पहला, एक सबसे पहला आप एक बात समझ लो कि मैं किसी भी गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। नंबर दो, मेरा सिंपल सा एक कहना है कि आप लोग अगर कभी कैसीनो में नहीं गए हो या गैम्बलिंग नहीं करी है तो मत करना, और ना मैं किसी नए प्लेयर को, तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि ना मैं किसी नए प्लेयर को ये सिखाने वाला हूँ कि गैम्बलिंग के अंदर कैसे गैम्बलिंग करनी, कैसे जीतना, ऐसा नहीं होता। ये बात आप समझ लो, जो थंब रूल है कि 100 में से सिर्फ 3 से 5 लोग ही जीतते, मतलब 3 से 5% लोग ही कैसीनो में जीत सकते हैं। ये मेरा ही मुर्गा है, मेरा मुर्गा मतलब हमारे यहाँ नेचुरल तरीके से पलता है, हम खरीद के नहीं लाए हैं, और इसका नाम डोडो है, ठीक है। तो बात ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले अब पर क्या होता है कि कुछ लोग मूवीज़ वगैरह को देख करके उनका मन करता है कि चलो यार हम भी कभी कैसीनो को देखें, क्यूरियोसिटी के वजह से। तो कई लोगों को डर लगता है कि कैसीनो पता नहीं जाएंगे तो हम लुटपिट जाएंगे, कईयों को ये डर लगता है कि अरे जाएंगे तो हमारे को एडिक्शन लग जाएगी, लत लग जाएगी। एक बात समझ लो दोस्तों, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और आप अगर अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी सोच को कनेक्ट कर पाते हो तो दुनिया का कोई भी एडिक्शन आपको नहीं लग सकता। शराबियों के बीच में बैठ के आप शराबी नहीं बनोगे, चर्सियों के बीच में बैठ के आप चर्सी नहीं बनोगे, और गैम्बलिंग कैसीनो के अंदर जाके आप गैम्बलर नहीं बनोगे, ये बात समझ लो। हाँ, आपने बिना मतलब के काल्पनिक डर पालने हैं तो वो अलग बात है। अब कुछ टूरिस्ट हैं, वो आना चाहते हैं गोवा घूमने, पर उनको लगता है कि यार गोवा का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पार्ट कैसीनो भी, तो उनका मन करता है कैसीनो जाने का, पर वो इस डर से नहीं जाते कि यार कैसीनो में फीमेल के लिए सेफ है कि नहीं है, हमारे साथ कोई लूटपाट तो नहीं हो जाएगी, या हम जो है मतलब हमें एडिक्शन तो नहीं लग जाएगी, हम बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे उसमें। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि कैसीनो से सेफ जगह कोई नहीं होती है, फीमेल्स के लिए और आपके लिए भी, मतलब पूरी तरह ये सेफ जगह है कैसीनो में, बहुत जगह मतलब पूरी तरह आप उनकी निगरानी में रहते हो, उनकी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, बाउंसर होते हैं, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, कोई आदमी आपके साथ कुछ भी बदतमीजी वगैरह नहीं कर सकता। आप खुद किसी की बातों में आके बेवकूफ़ी कर जाओ वो अलग बात है, पर कोई भी फोर्सफुली आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब इस वीडियो में मैं आपको ये 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको जब भी कैसीनो में जाना है, जो फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं, जो रेगुलर भी जा रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कोई टूरिस्ट है, वो आ रहा है 5 दिन के लिए गोवा में, उसका मन कर रहा है चले यार एक दिन कैसीनो में जाते हैं, कौन से कैसीनो में जाना चाहिए, आपका बजट कितना होना चाहिए, वो सब मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। पर इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले तो सबसे पहली बात ये कैसीनो सेफ है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आती है बात की एक ध्यान रखना, आप जितने मर्जी बड़े बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्चुअल हो, आपको जितना मर्जी नॉलेज ज्ञान हो, आपका अपने ऊपर जितना मर्जी कंट्रोल हो, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप जो अमाउंट वहां पर लूज कर सकते हो, क्योंकि जाओगे तो मन करता है खेलने का, या आदमी सोचता है चल छोटा मोटा खेलेंगे, वो छोटा मोटा हर एक का अलग अलग होता है, किसी का छोटा मोटा 500 हजार 5 हजार होता है, किसी का 50 हजार लाख होता है, किसी का 5 लाख भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। तो जो भी अमाउंट आपने सोचा हुआ है कि मैं इतना अमाउंट वहां पर लूज कर लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही अमाउंट आपकी जेब में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खेलने का मन तो 5 हजार का है कि 5 हजार का ही खेलूंगा, हारूं या जीतूं 5 हजार चले भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, नया कुछ सीख के एक्सपीरियंस करके आ जाएंगे, और जेब में डाल के ला रहे हो आप 50 हजार। नहीं, अगर 5 हजार सोचा है तो 5 हजार ही लेके जाना, उसके अलावा 200-400-500 रुपये खुला जो आने जाने के लिए जरूरत पड़े, अपनी गाड़ी और अपना जो भी आपका स्कूटर बाइक वगैरह है उसके अंदर पेट्रोल वगैरह डलवा करके जाना, ठीक है। जितने मर्जी दिमागदार हो वहां जाकर के दिमाग
खराब हो ही जाएगा, शैतान आपकी खोपड़ी पे नाचेगा ही नाचेगा। दूसरी बात, जब भी आप कसीनो जाओ, स्पेशली मैं कसीनो, बाकी जहां मर्जी आप जाओ वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे जी रहे हो करते रहो, पर अगर आप कसीनो जा रहे हो तो दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक मनी नहीं लेके जानी है, प्लास्टिक मनी नहीं लेके जानी, किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह का डेबिट कार्ड नहीं लेके जाना है, क्योंकि आपका दिमाग बहकेगा आपके जेब में। अगर मान लो आप, मैंने बोला 5,000 लेके जाना या जो भी आपने सोच रखा वो अमाउंट लेकर के जाना, और उसके बाद में आपको लगा कि अरे यार हम तो उतना ही अमाउंट लाए हैं, पर जब वहाँ पे दिमाग घूमेगा तो आप सीधा प्लास्टिक मनी यूज़ करोगे, कार्ड स्वैप करोगे, या हर कसिनो ने अपने प्राइमिसेस में ATM मशीन लगाई होती है। उसका कारण क्या, उनको मालूम है ना, यही कारण है कि आदमी बहकेगा तो उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो पूरा इंतजाम उन्होंने बंदोबस्त कर रखा। तो आपने ATM कार्ड अपना होटल रूम में, अपने घर में, जो भी आपकी जगह है वहां पे आप छोड़ के जाओ, वहां पर आप छोड़ करके जाओ। ATM कार्ड वगैरह आपने नहीं लेकर के जाना, क्रेडिट कार्ड आपने नहीं लेकर के जाना, जितना अमाउंट आप लूज कर सकते हो उतना ही अमाउंट लेकर के जाना है। लूज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो ऐश करो और आ जाओ, बढ़ जाए तो भी आ जाना है। वो सब मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे निकलना है, कैसे करना है, पर अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। तो पहली बात तो ये हो गई कि जितना अमाउंट लूज कर सकते हो उतना ही अमाउंट लेकर के जाना, जिससे आपको कोई फर्क ना पड़ता हो। दूसरा, आपको प्लास्टिक मनी नहीं लेके जानी, मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं लेकर के जाने। तीसरी चीज, आपको जो आजकल फ़ोन में ऐप होते हैं, वॉलेट होते हैं, उनको भी आपको डिलीट करके जाना चाहिए। वाईफाई वगैरह सब मिल जाएगा, कोशिश करो कि फ़ोन ही छोड़ जाओ, नहीं तो वो डिलीट करके जाओ, या उसमें पहले पैसे मत रखना। मतलब इतना अनकंफर्टेबल जोन बना देना कि वहाँ पे फोकट की दारू पीने के बाद जब बुद्धि खराब भी हो, या बिना दारू पिए भी कई बार आप कंपटीशन में पड़ जाओ या कंपैरिजन में पड़ जाओ, या दूसरे को जीतता हुआ देखो तो आपके अंदर भी जोश आ जाए, क्योंकि गलतियाँ कहाँ होती है, सीधी सीधी गलती नहीं होती। पहले आप 5,000 से 15,000 बनाओगे, आप 15 का 20 करने के चक्कर में 15 वापस चले जाएगा। अब आप कहोगे मैं 1-5 और निकालता हूँ, फिर इस बार 15 हो जाएगा तो मैं चुपचाप चले जाऊंगा, ऐसे करके वो फ्लो बनता चलेगा। फिर वो 5 चले जाएंगे, आपको अरे यार 5 के 15 हुए तो वो तो गएगा, ये नए 5 और चले गए। ऐसे करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 5,000 से 50,000 माइनस होकर बैठ गए। तो मैं सारे वो ऑप्शंस लॉक करवाना चाहता हूं आपके, कि आपकी बुद्धि पे शैतान नाचे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाए तो भी आप अपना एक दायरे से, एक हद से ज्यादा नुकसान ना कर सको। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो वॉलेट वगैरह, वो जो ऐप होते जितने भी, गूगल पे वगैरह, ये सब चीजें, इनमें या तो बहुत माइनर रकम रखो या हटा दो, मतलब कोई भी, मतलब कहने का मतलब सारे वो ऑप्शंस को काट दो रास्ता जहां से आपके पास वहां पर पैसा आ सकता है। बाहर आके वापस डाउनलोड कर लो, वापस सारी चीजों कनेक्ट कर लो, ठीक है। मैंने कई लोगों को, जिन लोगों ने कभी कसीनो नहीं देखा, उन्होंने कहा यार हमें कसीनो देखना है एक बार एज ए एडवेंचर, एज ए एक्सपीरियंस, तो मैंने उनको कुछ प्रिकॉशंस के साथ भेजा। उसमें से कुछ ने 1,000-2,000 रुपये कमाए और खाया पिया और आ गए, बड़े खुश हुए। कुछ के 500-600 रुपये माइनस हुए और खाया पिया और आ गए। तो ये वो नुकसान थे कि जिनमें उनको, उनका काम था वो एज ए टूरिस्ट थे तो उनको मजा आया। तो ये बातों का ध्यान रखना। और जो रेगुलर प्लेयर है उन्हें भी जाने के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि कितना पैसा मुझे लेकर के जाना है, कि उतना ही पैसा लेकर के जाना है जितना वो लूज कर सकता है। आप मान लो अगर 5 दिन के लिए आपने टोटल बजट बनाया हुआ है तो उसको भी आपने डिवाइड करना, या आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। आज के वीडियो में मैंने बताया कि कसीनो में जाने के लिए आपको ये 2-3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। प्लास्टिक मनी नहीं लेके जानी है, ठीक है, जितना अमाउंट लूज कर सकते हो उतना ही लेके जाना है, और ये पेमेंट वॉलेट वगैरह इन सबको नहीं, नहीं तो क्या होगा, आप दोस्त को फोन करोगे यार डालियो जरा 10,000, दोस्त या घर वाले जो भी है वो डाल देंगे और आप वहाँ पे अपना एक ही रात में नाश करके बैठ जाओगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक और बात ध्यान रखना, वहाँ पे खाना फोकट का है, वहाँ पर दारू फोकट की है, पर शरीर, जो किडनी, सिगरेट भी फोकट की है, पर जो किडनी और फेफड़े हैं, जो लीवर है, वो आपका अपना है, तो वो ध्यान रखना। गोवा के अंदर ड्रंक एंड ड्राइव पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो दारू जो गाड़ी चलाएगा उसको नहीं पीनी चाहिए, और जो नहीं भी चलाएंगे उनको भी उतनी ही पीनी चाहिए। ये नहीं कि फोकट की मिल रही है, महंगी दारू मिल रही है तो अनलिमिटेड पी गए और अपने आपे से बाहर हो गए और मजा सजा बन गई, ये बात का ध्यान रखना आप, क्योंकि वहाँ का जो ग्लैमर चकाचौंध है ना, वहाँ जा करके अच्छा अच्छा आदमी आपे से बाहर हो जाता है, वो लाउड म्यूजिक, वो ग्लैमर वर्ल्ड, वो लोगों को लाखों रुपया जीतते हुए देखना, तो उस समय आप उस गो विद द फ्लो हो जाओगे और वहीं पर आपका गेम खराब होना शुरू हो जाएगा, कहानी खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए फ्री की दारू, फ्री का मुर्गा, फ्री की बियर वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। जीत जाओ अपना खाना वाना खा के निकल जाना, जीत जाओ तो खाना भी मत खाना, बाहर खा लेना, और अगर हार जाओ तो कुछ मत छोड़ना, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, इस वीडियो को देखो, फिर आने वाले दिनों में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताता चला जाऊंगा। उसके बाद में आपको फिर आने वाले दिनों में कसीनो की ट्रिक बताना शुरू करूंगा। जैसे मैंने वहां पर 106 वीडियो डाले हैं, उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस चैनल पर आपको आने वाले वीडियो के बारे में मालूम पड़ता है, इसलिए ना जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको ऑल पर रखना,
उसको ऑल पे रखना, नहीं तो फिर आपको वो वीडियो के वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना ये आपकी मर्जी है, मैं नहीं आपको बोल रहा, ठीक है। दूसरा, ये जो भी कोई अगर इस गलती से मुझे ये सब्सक्राइब करता है कि यार हम तो करियर बनाएंगे कैसीनो में नए हैं या वो, तो वो गलत कर रहा है। मैं किसी भी नए आदमी के लिए मेरा ये वीडियो नहीं है, जो फंसे हुए हैं ऑलरेडी उनके लिए, या जो एज ए एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं एक बार के लिए उनके लिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू। रिमोट हाथ में, फिर भी मैं वहाँ से बंद कर रहा हूँ।